अरे यार, इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी ज़्यादा गर्मी में ना कभी कुछ ना कुछ ठंडा खाने का दिल करता है, कुछ ना कुछ पीने का दिल करता है। वैसे मेरी छोटी को भी हर वक्त कुछ ना कुछ उसे खाना है, कुछ ना कुछ ठंडा पीना है। तो वो मुझसे जिद करने लगी, दीदी आज ना तो मुझे रैम्बो आइसक्रीम बना कर। तो मैंने उसे कहा, रैम्बो आइसक्रीम ये कैसे बता, दीदी प्लीज़ ट्राई करो ना, रैम्बो आइसक्रीम तुमसे बन जाएगा, प्लीज़ दीदी प्लीज़। वो मुझसे जिद करने लगी, तो मैंने कहा अच्छा रुको बाबा मैं ट्राई करती हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत सोच में पड़ गई। उसके बाद मैं जब अपने रूम में गई ना, तो मेरे कबर्ड में ना कलरफुल चॉकलेट पड़े हुए थे। मैं जब मॉल गई थी तो वहाँ से बहुत सारे कलरफुल चॉकलेट लेकर आई थी, तो वो सारे चॉकलेट पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो इतने सारे चॉकलेट है, इसी से कुछ कलरफुल रेनबो आइसक्रीम बना देते हैं। तो मैंने झटपट से मिक्सर के जार में एक एक करके चॉकलेट को डाला, इसे ब्लेंड कर लिया, स्प्राइट डाल के मिक्स कर लिया, सारे कलरफुल चॉकलेट को मैंने सेम प्रोसेस किया। क्या आपको भी बचपन वाली कलरफुल आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है क्या, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी छोटी को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, वो तो हर वक्त आइसक्रीम खाना पसंद करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है और मुझसे जिद करते रहती है, दीदी आज ये आइसक्रीम बना दो, आज वो आइसक्रीम बना दो। अरे यार छोटी ने तो मुझे पागल ही कर दिया। तो मैंने यहाँ सारे लिक्विड रेडी कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ आइसक्रीम मोल्ड ले लिया था। आइसक्रीम मोल्ड में मैंने एक एक करके लिक्विड को फिल कर दिया अच्छे तरीके से, इसके ढक्कन को लगाकर मैंने ओवरनाइट रख दिया, इसे फ्रीजर में सेट होने दिया। जब मैंने इसे दूसरे दिन निकाला ना, वाह यार मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्यारा कलर आया, इसका टेस्ट बहुत ही अमीर था। छोटी ने तो एक दिन में 3 आइसक्रीम खत्म कर दी। उसने कहा दीदी तुमने कितना अच्छा कलरफुल रेनबो आइसक्रीम बनाया, वाओ दीदी तुम बहुत अच्छी, वो तो मेरी तारीफ करने लगी। उसके बाद मैंने ये आइसक्रीम उसे दे दिया, उसने तो ये मज़े से खाया, उसे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ये रेनबो आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अब इतने मेहनत से मैंने ये रेनबो आइसक्रीम बनाया, एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलो बाय।